ये हमारी फिल्टर मशीन है, इसका पूरी लाइन कैसे इसकी दौड़ती है इस वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ये हमारा मेन नल का पॉइंट है और ये पाइप है, ये नल में से पाइप जो है पानी जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से रिटर्न होके ये देखिए ये पाइप अंदर गया है और ये वेस्टेज पानी का पाइप है जो यानी एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो ये बाहर आता है, इसके लिए इधर गैलन वगैरह लगा लिया जाता है। और ये जो हमारा मेन पाइप है देखिए यहाँ आता है, ये देखिए ये हमारा मेन पाइप है, ये सेडिमेंट में आता है, फिर यहाँ से जो है कि हमारा पाइप निकल करके ये देखिए यहाँ पे ये है ना, ये इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से ये पाइप देखिए यहाँ से निकलता है, फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर कार्बन में जाता है पानी, यानी जो पानी के अंदर जो कार्बन होता है तो ये कार्बन पकड़ता है, फिर यहाँ से सीधे ये पाइप देखिए निकलता है, फिर यहाँ पे यानी पंप है, फिर यहाँ से ये पानी खींच के ये देखिए नीचे भी एक पाइप लगा हुआ है, ये सीधे इस मोटर के अंदर भेजता है, फिर इस मोटर से जो है कि पाइप पानी हमारा जो है ये पाइप देखिए ये पाइप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर भेजता है, फिर यहाँ से जो है कि हमारा पानी ये देखिए यहाँ पे जब भेजता है तो यहाँ पे इसके अंदर दो पॉइंट होती है, एक जो है कि फ्रेश पानी का लाइन होता है और एक वेस्ट का लाइन होता है, फिर ये जो फ्रेश वाला पाइप होता है ये आता है इस आर ओ के अंदर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक होती है, फिर यहाँ पे पानी जो यानी जो कीटाणु वगैरह होती है ये इलेक्ट्रिक जो है उसको कैच करता है, उसको पकड़ता है, फिर यहाँ से हमारी ये पाइप जाती है सीधे ये मिनरल में, फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ से हमारा पानी जो है पीने का ये देखिए पाइप है, यहाँ पे सप्लाई होता है, तो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको बैठा देता हूँ, तो ये देखिए ये देख रहे हैं ना, ये हमारा यहाँ से पानी आया पाइप और यहाँ पे चला गया, अब यहाँ से फिर जो है ये मिनरल फिल्टर में जाता है, देख रहे हैं ना, ये मिनरल फिल्टर में यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे दाने वगैरह ये सब होते हैं, फिर यहाँ से पूरा जब हमारा पानी फिल्टर हो जाता है, फाइनली फिल्टर होने के बाद जो है फिर ये सीधे हमारा ये जो टाकी लगी होती है इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर ये जो देखिए डीसी मोटर लगा होता है, ये इसका चार्जर वगैरह है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक होती है, अभी मैं ऑन करके जला करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और जो कभी भी आप जो है कि चेंज करना चाहें तो अपने हाथ से ही जो है ये सब चेंज कर सकते हैं, ये 250 रुपये में ये पार्ट्स ये सब आते हैं, और ये देखिए ये जो वेस्ट पानी हमारा देखिए निकल रहा है, और ये जो फिल्टर पानी है ये फिल्टर पानी हमारा निकल रहा है, यानी एकदम पानी हमारा फ्रेश होकर के ये आ रहा है। और कभी ऐसा हो कि जब यहाँ पे आपका पानी का प्रेशर ना आए तो ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे देखिए पुश करने का सिस्टम होता है, इसको जब ऐसे आप पुश करेंगे तो ये पाइप निकल जाएगा, अगर यहाँ पे पानी रिटर्न नहीं आ रहा तो ये समझ लीजिए कि ये आपका चोकअप हो चुका है, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा तो पानी एकदम आसान हो जाएगा आने के लिए, एकदम बेहतरीन फिर पानी आने लगेगा इसके अंदर। तो ये हमने लगा दिया, ये पूरा यहाँ से पानी खींच खींच के यहाँ पे भेजता, फिर यहाँ से पूरा ये मिनरल के अंदर जाता है, और इसके अंदर जो है कि छोटा सा इसके अंदर आर ओ के अंदर जो है छोटा फिल्टर लगता है, फिर वहाँ से पानी फाइनल होके यहाँ से आके फिर निकलता है। तो कुछ ये थी लाइन इसकी, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, और ये यहाँ पे ये देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये बीच वाला ये देखिए बीच में जो ये पॉइंट होता है ये यानी हमारा फ्रेश पानी है, और ये जो साइड का होता है साइड वाला यानी हमारा वेस्ट पानी है।